हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी सही सलामत हो गए। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो है 1K का फैमिली हो चुका है यूट्यूब में। हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो चुके हैं, तो इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप सबकी वजह से ये हो पाया है, आपने इतना सपोर्ट किया और अभी कर भी रहे हैं, तो आगे भी यूं ही करते रहना है। अभी 1K हुए हैं, बहुत जल्दी 10K भी हुए गए, 50K हुए गए और 100K भी हुए गए। अगर आप ऐसे यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे तो यूं ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ और नया होने वाला है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे अंदर बहुत सारी कमी है, परफेक्ट नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि हम इम्प्रूव करें अपने आप को और डे बाई डे कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नया कुछ देखने को मिले। अभी तो लॉकडाउन है, इसीलिए हम ज़्यादा कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं। अपने घर के आसपास का ही कुछ आपको दिखा रहा हूँ और फैमिली का माहौल दिखा रहा हूँ, वियतनाम लाइफस्टाइल, वियतनाम का कल्चर के बारे में। तो अभी आपको थोड़ा सा यही कुछ देखने को मिलेगा और कुछ टाइम के बाद हम आपको ट्रैवल व्लॉग भी दिखाएंगे, वियतनाम के टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में ले जाएंगे आपको, तो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर जगह है। तो यूं ही सपोर्ट करते रहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, बने रहना है ब्लॉग के लास्ट तक, देखना है आज क्या क्या होता है हमारे ब्लॉग पे। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ किचन की ओर और आज देखोगे आज क्या बना हुआ है यहाँ पर। सब्जी देखो क्या बनी है। व्हाट डिड यू कुक टुडे? बैंगन, आज फिर से बैंगन बना हुआ है। और इधर देखो, हमारा घी भी खत्म हो गया है, हनोई के लिए जा नहीं सकते। और शिप का भी पता नहीं है, शिप यहाँ पर होगा या नहीं, इतना सा घी बचा हुआ है, देख लो कब तक चलेगा। पतंजलि का घी है ये। बैंगन को पकड़ने में अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो तब तक हम जरा कुछ ड्रिंक बनाते हैं ठंडा ठंडा। तो ये है पलम का शरबत जो मेरी वाइफ ने बना के रखा हुआ है। देखो वाइफ हो तो ऐसी, सीजन ना होने पर भी यहाँ पर पलम का स्वाद लेने के लिए मिलेगा। तो चौकना बहुन रे, चौकना बहुन। तो ऐसे डालना पड़ेगा इसका टू टू, तो ज्यादा पानी निकालना है, तो फिर इसके तीन। कड़छी छोटी सी है, देखो इतना ले लिया है, इतना सा शरबत। अब इसमें पानी डालना है, बर्फ डालना है, तो इसका ड्रिंक पूरा पलम का स्वाद आएगा आज। ये देखिए अपना शरबत बनके तैयार है, तो लेते हैं इसकी गुटकी। ऑफ सीजन में पूरा पलम का स्वाद आ रहा है, मौज करवा दी। इधर देखो सलाद भी रेडी है, ये सलाद है। व्हाट इज दिस मोर? What do you put in salad? Mazana sauce. ऐसे बनता है दोस्तों सलाद, देख लो। सब्जी आलू बैंगन की ग्रेवी वाली सी बन गई है, रेडी हो गई है खाने के लिए, तो चलते हैं लंच करने के लिए। धनिया डालना तो इसमें भूल ही गया था, अभी मैंने धनिया भी डाल दिया है। और आज देखो दोस्तों क्या हो गया, मेरा हाथ जल गया। सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था, ऑमलेट, तो उसको मैंने यूं करके पलटा और तेल गिर गया हाथ में, तो हाथ ही जल गया। तो ये सब कुछ है लंच में, ये फिश है, ये मेरा फूड नहीं है। और ये है इधर अपना आलू बैंगन, ये सलाद है, और ये वियतनाम स्टाइल से है, पत्ते को सब्जी के कुछ पत्ते उबाल के पानी पुनी डाल दिया इसमें, तो ये अपने स्टाइल से खाते हैं। और मैं खाऊंगा राइस के साथ ये आलू बैंगन की सब्जी। सो गाइस, लंच के बाद हमने जाना था कुछ प्रिंट करवाने के लिए एक फ्लेक्स टाइप पे, तो अभी जाते हैं, यहाँ रही दुकान। सो अभी हम यहाँ पर डिज़ाइन बनवा रहे हैं इनसे। एक्चुअली ये क्या है कि घर को रेंट में चढ़ाने के लिए बन रहा है फ्लेक्स छोटा सा। जहाँ कहीं भी जाएगी तो वहाँ पे भगवान जी का मंदिर जरूर बना होता है एंट्रेंस पे। गाइस इसको गा कहते हैं, ये कहते हैं इसको गा।
But my husband think laga. It's meat chicken. बैंगन को पकड़ने में अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो तब तक हम जरा कुछ ड्रिंक बनाते हैं ठंडा ठंडा। तो रोड़ा है सारा इस बेडशीट का, और वियतनाम में बेडशीट को गाहा कहते हैं और चिकन को भी गाहा कहते हैं। अब डिफरेंस कहाँ है मुझे तो पता लग नहीं रहा है, आप बताओ अगर आपको कुछ अलग लग रहा है तो। ऐसे यहाँ की लैंग्वेज, और कहो तो इतना आसान भी है सीखना क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक ही वर्ड से जानते हैं, और मुश्किल भी है कि यही नहीं लगता पता कि भाई चिकन को बोल रहे हैं बेडशीट वाली गाह कह रहे हैं। तो ये है यहाँ का डिफरेंस लैंग्वेज का। बताओ कैसा लगता है आपको, आसान लगता है सीखना है या फिर मुश्किल लगता है? ये देखो यहाँ पर एमी की योगा क्लास शुरू होने वाली है, आज एमी करवाएगी योगा क्लास। यहाँ पर देखो सिस्टम बैठा लिया है, और हमारे पास लाइट तो गरीबी वाली है फिलहाल, टेबल लाइट को ही बना रखा है फ्लैश लाइट। अभी योगा क्लास का टाइम है। तो गाइस अभी हमारा योगा का टाइम हो रहा है, तो मैं और एमी करवाएंगे आज योगा क्लास। एमी रेडी फॉर योगा? सो दोस्तों आपको ये भी बताना है कि यार हमें ये बताओ कि आपको किस टॉपिक पे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो हम ताकि आपके लिए उस टाइप के ब्लॉग बनाएं। और कई लोगों ने मेरे को ये भी कहा कि मेरा थंबनेल वगैरह अच्छा नहीं होता है, तो दोस्तों इसका मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, रियली सॉरी फॉर दैट। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। कोशिश करूँगा मैं, एडिटिंग वगैरह सीखूँगा तो कैसे थंबनेल को बनाना है, क्योंकि इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जस्ट सीख रहा हूँ यूट्यूब से ही, वीडियो देख देख के मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो प्लीज़ वेट फॉर इट, ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि हम अच्छा ब्लॉग बनाएंगे और अच्छा थंबनेल अच्छा टाइटल डालेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत है कि अभी ये लर्निंग पीरियड है, तो प्लीज़ इस वक्त में साथ दें आप। तो आज का ब्लॉग भी हम यहीं पर क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि अभी देख रहे हो मैंने अपना सिस्टम को लगा लिया है, तो अभी योगा का क्लास शुरू करना है जो मेरा ऑनलाइन क्लास होता है। गाइज अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन नीचे है उससे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू एंड पीपल आर न्यू, गुड बाय।